नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कपिल भाकर आप लोगों का अपने चैनल इंडियन लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं उस दबंग डीएम की बात करूंगा जो शादी में आता है और तोड़ फोड़ मचा देता है और लोगों को ब्लडी एजोल साले कह के, ब्लडी विलेजर्स कह के मार मार कर शादी से बाहर निकलता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम त्रिपुरा के उसी डीएम के बारे में बात करेंगे जो वीडियो कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए चलते हैं मेरे साथ वीडियो में। डेट थी 26 अप्रैल 2021 और शादी थी शिवानी देव वेट्स अमित सिंह की और परमिशन भी ली हुई थी डीएम ऑफिस से। पर ऐसा क्या हुआ कि डीएम खुद आए और डीएम ने आके पूरी शादी को तहस नहस कर दिया, लोगों के साथ मार पिटाई की, दूल्हे को कॉलर से पकड़ के घसीटा, पंडित को मारा, ब्लडी विलेजर्स कह के, सालों को मारो कह के, ब्लडी एज होल जैसे वर्ड यूज़ करके शादी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। ऐसा क्या हुआ जो डॉक्टर शैलेश कुमार यादव को इतना गुस्सा आया और गुस्से की आग में एक शादी बर्बाद हो गई। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि देश में बहुत बुरी हालत है कोविड को लेके और सेम सिचुएशन पूरे देश में है। अगरतला जो त्रिपुरा की राजधानी है वहाँ पे भी जो सेफ्टी मेजर लिए हुए हैं, वहाँ पे भी धारा 144 लागू है, नाइट कर्फ्यू लागू है, लॉकडाउन लागू है। इन सब के बीच बार बार कंप्लेन होने पर जो वहाँ के डीएम थे उन्होंने ये मेजर लिया, उन्होंने ये रेड मारी, जिसके बाद से वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। आप डीएम के साथ हो या दूल्हे के साथ हो, आप डीएम ने जो किया वो उसकी ड्यूटी थी, उसने रेड मारी क्योंकि उसको बार बार कंप्लेन मिल रही थी, या शादी वाले क्योंकि शादी भी पहले से डिसाइडेड थी और उसके बाद भी नाइट कर्फ्यू होने के बाद भी जो शादी वाले जिन्होंने शादी ऑर्गेनाइज की थी वो लोग उन प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे थे, 50 लोग होने चाहिए, मास्क होना चाहिए, तो कौन सही कौन गलत। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले एक बार हम वीडियो को दोबारा से देख लेते हैं। ओपन एनी न्यू चैनल यू सी एंड डॉक्टर बने ना उसके 25 साल पहले हम डॉक्टर बन चुके हैं जब ये पैदा भी नहीं हुए थे भाई साहब। मारो मारो इसको, हिट हिम ब्लडी एसहोल। बाहर निकालो उनको। अब समझ नहीं आता है कानून नाम की कोई चीज है यहाँ पे। हाँ चलो बाहर निकलो। क्यों नहीं सर सर मेरा बहन को ले जाओ अंदर, बुक करिए, सबको लॉकअप में लेके जाइए, लॉकअप में लेके जाइए, लॉकअप में लेके जाइए। परमिशन इज फॉर मैरिज, नॉट फॉर मैरिज बियॉन्ड 10 PM। ओके, यू पीपल आर एजुकेटेड। पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। It's really shameful that district magistrate had... Tomorrow onwards, Manikya Court and the Gulab Bagan are banned. They will not be able, they will not be allowed to function for next 1 year as marriage halls. All these people who are assembled here, they have violated the order under section 144 Criminal Procedure Code and they will be prosecuted under 188 of Indian Penal Code. They will all be arrested right now. So how many people? And I will also recommend to the government to suspend OC of the West Agartala Police Station. Because he has not acted upon repeated complaints of people. And I as a district magistrate have to come here. This is very shameful on the part of the police that they have behaved like this. Sir, how many people arrested? They will count. Kitne log hai idhar? Count karke bolo.
उसी वेलफेयर को कल मैं सस्पेंड करा रहा हूँ। तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, अभी काउंट कर बोलो कितने हैं, चलो तुम भी जाओ उसके साथ। चलो नहीं हूँ मैं सर, वो आ रहा है। तुम जो भी हो काउंट करके बोलो, आई एम ब्लडी योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ओके, व्हाट इज योर नेम। तुम भी जाओगे उसके साथ, तुम लोग साले ब्लडी, यू ऑल आर हैंडिंग ग्लव्स विद दिस पीपल। काउंट एंड टेल मी, दिस इज माय कमांड एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, काउंट। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि जो भी वहां के डीएम शैलेश कुमार यादव ने किया वो गलत नहीं था। उनको पूरा राइट है कि वो इस तरीके से रेड मार सकते हैं। बट अगर हम बात करें उनकी गलती की, तो उनकी गलती यहाँ पे है कि उन्होंने जो अपशब्द कहे, जो फाउल लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की, ब्लडी एज होल, मारो सालों को, ब्लडी विलेजर्स, तो इस तरीके की लैंग्वेज एक डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसे व्यक्ति पोस्ट पर बैठे जो व्यक्ति है उनको शोभा नहीं देती। और अगर हम बात करें दूल्हे पक्ष की कि अब इस वीडियो बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, तो उनकी गलती पूरी नहीं है। अगर हम बात करें शादी वाले पक्ष की, तो वहाँ पर भी कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा था। 50 से ज़्यादा लोग थे, आप वीडियो में अच्छे से देख सकते हो, लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की गई थी। तो अगर हम देखें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की गलती है, तो पूरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोई गलती नहीं है। और अगर हम बात करें जो शादी वाले पक्ष की, तो शादी वाले पक्ष की भी गलती है कि जब उनके पास परमिशन थी तो उनको पता था कि नाइट कर्फ्यू इम्पोज है, 10 बजे के बाद आपके शहर में नाइट कर्फ्यू लगने वाला है, तो उनको उससे पहले ही सब कुछ निपटा लेना चाहिए था। वो क्यों देर कर रहे थे, वो क्यों अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे थे। जैसा कि सब जानते हैं कि देश में स्थिति बहुत भयावक है, बहुत डरावनी स्थिति, बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो रखी है, उसके बाद भी वो लोग ऐसी हरकतें क्यों कर रहे थे। अगर हम बात करें तो दोनों पक्षों की गलती है, बट मजिस्ट्रेट साहब की सिर्फ इतनी ही गलती है कि उन्होंने जो है वो अपशब्द कहे, गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, अदरवाइज वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। और शादी वाले पक्ष जिन्होंने 144 का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत, 186 के तहत, 269 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी लोग गलत है उनको सजा मिलनी चाहिए, उन पर फाइन इम्पोज करना चाहिए। जब से वीडियो बहुत वायरल हुआ और लोग इसका क्रिटिसिज्म करने लगे, तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब है उनके तेवर थोड़े नरम हुए, उन्होंने भी इस अपनी बात अपशब्द को लेकर अपोलॉजी मांगी है। उनकी तरफ से एक वीडियो और आया है जिसमें वो अपनी बात, अपना पक्ष रख रहे हैं, तो एक बार उस वीडियो को भी देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने बोला कि जनता को ये बहुत गलत लगा कि जिला शासक जाकर के ये सब कर रहे हैं, तो हम नहीं जाएंगे, पुलिस जाएगी, पुलिस का काम है, दायित्व ये पुलिस का ही है। अगर 144 धारा का आदेश है उसको पालन करने का दायित्व पूरा और पूरा पुलिस का ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। सर वो दो जो बिहेवियर है उसका क्या सील कर दिया आप? देखिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है, हम बिना उनको चांस दिए कि उनका क्या कहना है हम उनको बंद नहीं करेंगे। ठीक है, कल हमने बोला वहां पे मौके पे लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए कुछ बोलना पड़ता है। आज हमने उनको नोटिस जारी किया है, हमने कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस जारी किया है कि उनको क्यों ना बंद किया जाए। साथ में हमने ये भी लिखा है कि आपकी जो बुकिंग है अभी एक दो दिन की आप चलाते रहिए, हमने चाहते जनता को इनकन्वीनियंस, लेकिन उसके बाद की आप बुकिंग नहीं लेंगे जब तक आपका चौकाज नोटिस का रिप्लाई पा करके हम सेटिस्फाइड नहीं है। तो उनका रिप्लाई आएगा, फिर हम इसके ऊपर ऑर्डर निकालेंगे। इस दूसरी वीडियो में आपने देखा डीएम साहब के तेवर थोड़े नरम नजर आए, वो अपनी बात के लिए शर्मिंदा है, और इवन उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं कि उन्होंने जिन कम्युनिटी सेंटर को कल एक साल के लिए बैन कर दिया था उनको, अब उनको भी अपना पक्ष रखने के लिए उन्होंने शो कॉज नोटिस जारी किया है कि वो अपना जवाब दाखिल करेंगे, उसके बाद डीएम साहब जो फैसला लेंगे। और फाइनली हम कंक्लूजन पे निकलते हैं, तो प्रॉब्लम हमारे दिमाग में है कि जब कोई ऑफिसर अपनी ड्यूटी निभा रहा है, जब लॉ को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर रहा है, तो भी हम उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और जब ये ऑफिसर काम नहीं करते या ये लोग सुस्त बैठे रहते हैं तो भी हम इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो प्रॉब्लम हमारे दिमाग में है, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बिल्कुल जो शैलेश कुमार यादव जी का सपोर्ट करूंगा कि उन्होंने जो
एक्शन लिया वो बिल्कुल ठीक था, वो बिल्कुल जायज़ था, उनको लेना चाहिए। उनकी ड्यूटी उनको यही कहती है कि जब 10 बजे का कर्फ्यू इम्पोज है तो 10 बजे के बाद सब कुछ बंद होना चाहिए, स्ट्रिक्टली बंद होना चाहिए, क्योंकि देश में स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दो और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर दो, आगे शेयर कर दो। फिर मिलते रहेंगे किसी ऐसे ही छोटे मोटे सेक्शन के साथ, छोटी मोटी जानकारी के साथ। धन्यवाद।